हेलो ऑल, मेरा नाम मोहम्मद ज़फ़र है और मैंने UPPCS 2019 की RFO एग्जामिनेशन में 7th रैंक हासिल करी है। इसमें मुझे रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर की पोस्ट मिली है। मैं इस एग्ज़ाम अपने बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ कि चूँकि मैं ज्योग्राफी से PhD कर रहा हूँ और मैंने ग्रेजुएशन में BSc करा था, तो इसमें क्या है कि जो साइंस और इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स हैं वही फॉर्म डाल सकते हैं। तो इसका एग्ज़ामिनेशन साइंस एंड इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के लोगों के लिए ही होता है, क्योंकि इसमें फॉरेस्ट जो है ना उसके डिपार्टमेंट में काम करना होता है। तो इसके एग्जामिनेशन के बारे में बता देता हूँ कि 2019 का जो सिविल सर्विसेज का PCS का प्रीलिम्स होता है, सेम प्रीलिम्स इसका भी होता है। क्योंकि इसकी कट ऑफ थोड़ी हाई जाती है तो आपको प्रीलिम्स के लिए एक्स्ट्रा मार्क्स लाने होते हैं। वो होने के बाद इसका मेंस का एग्जामिनेशन होता है। क्योंकि सिविल सर्विसेज का मेंस एग्जामिनेशन होता है, इसका अलग से मेंस का एग्जामिनेशन होता है, तो इसका एग्जामिनेशन का पैटर्न थोड़ा अलग है। मैं एग्जामिनेशन पैटर्न की बात कर लेता हूँ मेंस के। इसमें आपका पहला पेपर होता है हिंदी और एसे का। तो जनरल हिंदी का मतलब 200 मार्क्स का पेपर होता है, तो उसमें 100 मार्क्स का जनरल हिंदी और ग्रामर आता है और 100 मार्क्स का एसे आता है। वो एक ही पेपर होता है 3 घंटे का, आपको 3 घंटे में वो करना है। फिर आपके GS1 और GS2 दो पेपर होते हैं जो कि ऑब्जेक्टिव होते हैं, उसमें 150-150 क्वेश्चन आने होते हैं। देखिए, इसमें होता क्या है कि जो पहले UPPCS का मेन्स एग्जामिनेशन होता था, जो उसमें GS ऑब्जेक्टिव होता था, सेम पैटर्न हमारा इसमें होता है। क्योंकि ये साइंस ओरिएंटेशन सब एग्जामिनेशन है, तो इसमें साइंस के क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं कुछ। सेकंड पेपर में स्टेट का पोर्शन होता है एज इट इज़, जो पहले UPPCS मेन्स में GS का एग्जामिनेशन होता था। और इसमें ऑप्शनल आपको दो लेने होते हैं जो कि साइंस ऑप्शनल होते हैं। तो मेरा ऑप्शनल था इन्वायरमेंटल साइंस और जियोलॉजी। चूँकि इन्वायरमेंटल साइंस मैंने सिविल सर्विसेज की तैयारी के दौरान ही अच्छे खासा पढ़ लिया था, और जियोलॉजी मेरा ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट था जो अर्थ साइंस से रिलेटेड है। ये इसका पैटर्न है। और इसके बाद इसका इंटरव्यू होता है जो अगेन 150 मार्क्स का होता है। यूपी लोक सेवा आयोग में नौकरी पाने का सुनहरा अवसर, बड़े भारत के टॉप एजुकेटर्स के साथ, और पाए कंप्लीट स्टडी मटेरियल एक ही ऐप पर। डाउनलोड एंट्री नाउ। तो मैं पहले एग्जामिनेशन के बारे में बता देता हूँ कि ये जो एग्जामिनेशन अलग क्यों है। चूँकि जो ACF होता है, असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, एंड RFO रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर, ये एग्जामिनेशन साइंस ओरिएंटेशन, यानी कि चूँकि हमें कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट के लिए काम करना है, प्रिजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट के लिए काम करना है, और फ्यूचर में इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए बहुत सारे इनिशिएटिव काम लेना है, तो इसमें साइंस ग्रेजुएट और इंजीनियरिंग ग्रेजुएट के बच्चों का एग्जामिनेशन है ये, ठीक है। तो चूँकि इस एग्जामिनेशन के पैटर्न के बारे में बता देता हूँ मैं कि तैयारी मैंने कैसे करी। चूँकि सिविल सर्विसेज की तैयारी मैं ऑलरेडी कर रहा था, तो प्रीलिम्स का पोर्शन वहाँ से किया मैंने, मतलब जो प्रीलिम्स सेम होता है, तो कॉमन प्रीलिम्स है, तो प्रीलिम्स वहाँ। चूँकि इसमें स्कोर, जैसे कि अगर आपका 120 जा रहा है आउट ऑफ 200 मार्क्स जा रहा है सिविल सर्विसेज का कट ऑफ प्रीलिम्स का, इसका कट ऑफ 136 या 35 इस तरह करा जाता है, जो कि मैं 2019 में अभी मार्क्स शो नहीं हुए, लेकिन 2018 में ऑलमोस्ट 16 मार्क्स का डिफरेंस था, ठीक है। तो ये प्रीलिम्स हो गए। तो आपको प्रीलिम्स एग्जामिनेशन देना है और उसी में और अच्छा स्कोर करना, ताकि आपका फॉरेस्ट का भी कट ऑफ क्लियर हो जाए, ठीक है। फिर इसका मेंस एग्जामिनेशन होता है। मेंस एग्जामिनेशन का पैटर्न मैंने बता दिया। तैयारी कहाँ से करी थी उसके लिए मैं बता देता हूँ। जो हिंदी का पेपर है, जनरल हिंदी का पेपर है और ऐसे का पेपर है, वो नॉर्मल जो हमने इसकी तैयारी करी थी सिविल सर्विसेज के मेंस के लिए, वो वहीं से सोर्स रखा था। सोर्स है ऐसे के लिए, आप क्या करते हैं, मॉडल आंसर लिख लें, मॉडल ऐसे लिख लें, ठीक है, वो वहाँ से हो जाए क्लियर। और जो हिंदी का पार्ट है, वो हिंदी ग्रामर की कोई बुकलेट ली, जैसे मैंने घटना चक्र की एक बुकलेट आती है वो मैंने पढ़ी थी, वहाँ से मेरा काम अच्छे से हो गया था, निकल गया था आंसर। क्योंकि कॉमन पेपर होता है तो इसमें अलग से तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है। जो GS होता है, चूँकि ऑब्जेक्टिव होता है, तो इसमें टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। और फर्स्ट पेपर में तो मैथ्स नहीं होता है, लेकिन फर्स्ट पेपर में हिस्ट्री होता है, जितने भी वो चीज़ें होती हैं, GS का पोर्शन होता है, जो प्रीलिम्स होता है उसी लेवल का क्वेश्चन मेंस में भी इनका आता है। इनका मेंस का जो GS का पोर्शन है, उसमें प्रीलिम्स लेवल का ही क्वेश्चन आता है, जो पहले से हम ऑलरेडी पास कर चुके होते हैं, तो उस पर एक्स्ट्रा एफर्ट देने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, जो सोर्स है उसको आप दे सकते हैं पेपर वाइज। अब पेपर टू GS में क्या होता है, लगभग 60 क्वेश्चन आपके स्टैट्स और जनरल मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चन आते हैं। वो क्वेश्चन के लिए आपको प्रैक्टिस करके जाना है, क्योंकि एग्जामिनेशन इतना लंबा हो जाता है, मतलब 90 क्वेश्चन आपने जनरल साइंस और पॉलिटी इकोनॉमी के करे, और उधर आपको 60 क्वेश्चन मैथ के भी निपटाने हैं, वो भी 2 घंटे के अंदर, तो आपको वहाँ पे टाइम मैनेजमेंट करना ज़रूरी हो जाता है, बहुत ज़रूरी हो जाता है। और फिर अगला आपका आता है ऑप्शनल का पेपर। दो ऑप्शनल था, मैं इन्वायरमेंटल साइंस की बात करता हूँ पहले। इन्वायरमेंटल साइंस का सिलेबस बहुत हद तक जो हम जनरल स्टडीज़ के लिए इन्वायरमेंट का पोर्शन पढ़ते हैं, वो वहाँ से कवर हो जाता है, जिसके लिए मैंने
एक शंकर आईएएस की बुक पढ़ी थी और एक माजिद हुसैन की इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी की बुक पढ़ी थी और सविंदर सिंह की इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी का पोर्शन जो फिजिकल ज्योग्राफी की बुक का पार्ट है। ये एक्चुअली इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि मेरा ऑप्शनल उसमें ज्योग्राफी था तो मुझे काफ़ी हेल्प मिल गई थी इन्वायरमेंटल साइंस को पढ़ने में। हाँ, शंकर आईएएस का जो बुक है उसको पढ़ने से ये हो जाएगा कि आपको अपडेटेड नॉलेज मिल जाएगी चाहे जिस तरह के पॉल्यूशन है, और सबसे अच्छा सोर्स है आपका प्रीवियस ईयर के पेपर, वो आप प्रीवियस ईयर पेपर देख लीजिए ऑप्शनल में कैसे क्वेश्चन आते हैं तो आपको इजिली पेपर सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, एक ऑप्शनल का दो पेपर होता है, पेपर वन पेपर टू, तो वो एक दिन में एक ही दिन में दोनों पेपर हो जाता है, तो आपको थोड़ा राइटिंग प्रैक्टिस अच्छे से करके जानी है। सेकंड ऑप्शनल है जियोलॉजी का। जियोलॉजी के सोर्सेज की बात करें तो मेरा एक्चुअली ग्रेजुएशन में था तो मेरा थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी सब्जेक्ट में पहले से थी। हाँ, उसके लिए मैंने जीबी महापात्रा की जियोलॉजी फंडामेंटल्स ऑफ जियोलॉजी की बुक है और एक आती है केएम बांगर की फंडामेंटल्स ऑफ इंजीनियरिंग जियोलॉजी, चूँकि इंजीनियरिंग जियोलॉजी ऐसा है नहीं उसमें कुछ, दोनों जियोलॉजी की बुक है। और एक पी के मुखर्जी की भी बुक आती है इन जियोलॉजी की, बट मैंने उन्हें पढ़ी नहीं थी तो मैंने के एम बांगर की बुक और जी बी महापात्रा की बुक पढ़ी थी। और जो उसका जो जियोलॉजी का फर्स्ट पेपर का जियोमॉर्फोलॉजी वाला पोर्शन है वो मैंने रेगुलर बुक जो अपनी ज्योग्राफी ऑप्शनल की सविंदर सिंह की फिजिकल ज्योग्राफी की बुक थी वहाँ से करी थी। ठीक है, चूँकि इसमें क्या है कि बहुत लेंथी हो जाता है तो आपको पहले से सिलेबस और क्वेश्चन पेपर देख के कर लेना है कि ये क्वेश्चन मुझे करना है, मुझे ये वाले पोर्शन में महारत हासिल है तो मुझे ये क्वेश्चन कर लेना है। चूँकि एक क्वेश्चन में दो पार्ट होता है तो अगर हमने क्वेश्चन चूज़ किया तो दोनों पार्ट करना कंपलसरी हो जाएगा, तो आप ऐसा क्वेश्चन चूज़ करें जिसका दोनों पोर्शन आपको आता हो। ठीक है, ये जियोलॉजी ऑप्शन की स्ट्रेटजी रही है। ये पास करने के बाद चूँकि अभी हमारे मार्क्स शो नहीं हुए हैं तो मैं ये नहीं बता सकता कि एक्चुअल में कितने मार्क्स आए किस पेपर में, चूँकि रैंक 7 आई है तो होपफुली अच्छे मार्क्स आए होंगे मेरे। हाँ, मैं इंटरव्यू स्टेज की बात करता हूँ। इंटरव्यू स्टेज में 150 मार्क्स का इंटरव्यू होता है तो जैसे सिविल सर्विस जो EPPCS का सिविल का एग्ज़ाम इंटरव्यू होता है सेम ऐसे ही होता है, क्योंकि एक्सपर्ट जो होते हैं वो फॉरेस्ट्री के, इन्वायरमेंटल साइंस के, इस तरह के आते हैं। तो जो आपका इन्वायरमेंट का क्वेश्चन है, जो इन्वायरमेंटल रिलेटेड इनिशिएटिव है, जो वो करके जाएँ, जैसे कि एक चीज़ मैं बता देता हूँ, जॉइंट फॉरेस्ट मैकेनिज्म होता है, वो फॉरेस्ट्री का पार्ट है लेकिन फिर भी हम लोगों से पूछ लिया जाता है। और अपने डिस्ट्रिक्ट के कितना फॉरेस्ट एरिया है, उत्तर प्रदेश में कितना 7% है कि 6.73% है, कितना है एग्जैक्ट वो फॉरेस्ट एरिया करके जाए, इंडिया कितना है, और जो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट फॉरेस्ट कवर को बढ़ाने के लिए इनिशिएटिव ले रही है जैसे संकल्प पर्व है, या फिर जो हमने हर्बल एक स्ट्रेच की बात करी है कि हम हर नेशनल अपने स्टेट हाईवे पर 1 किलोमीटर का हर्बल स्ट्रेच लगाएंगे, ये बात करी है, या फिर इतने करोड़ पार्टिकुलर जितने अभी कुछ एक एग्जाम है था कि 1 जुलाई से 7 जुलाई के बीच हम वन महोत्सव मनाते हैं कि हम मुंशी द्वारा एक इनिशिएटिव था ये, तो इस तरह का जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड है या फॉरेस्ट रिलेटेड इनिशिएटिव वो करके जाइए। और दूसरी चीज़ वो लोग पूछते हैं कि आपका ऑप्शनल क्या था, तो मैंने देखा था कि 80% लोगों का इन्वायरमेंटल साइंस ऑप्शनल रहा ही है क्योंकि आसान भी है और आराम से जीएस पढ़ने से कवर भी हो जाता है। दूसरा ऑप्शनल जो भी किसी का फॉरेस्ट्री है, किसी का एंथ्रोपोलॉजी है, जिसका जो बैकग्राउंड हो वो करके आता है, तो आप ये कर लें कि जो एन्वायरमेंटल साइंस है उसको तो करके ही जाएँ, दूसरा ऑप्शनल उससे क्वेश्चन निकल आते हैं। और मेरा जियोलॉजी था तो उन्होंने प्लेट टेक्टोनिक्स पूछा और फिर जनरली जो जियोमॉर्फोलॉजी से रिलेटेड टॉपिक था वो पूछा, तो वो मतलब एक्चुअली क्या है ना, ऑप्शनल अगर आपने पढ़ा है ना, टाइम कम मिलता है इसमें मेंस पार्ट में, तो ऑप्शनल अगर आपने पढ़ा है अच्छे से तो वो आपका आंसर वहाँ कर पाएंगे। और चूँकि वहाँ पे क्वेश्चन कम होते हैं तो आपको वो जनरली सिचुएशनल क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे मुझसे क्वेश्चन पूछा गया था इंटरव्यू में कि अगर आपको अरेंजर फॉरेस्ट बना दिया जाए तो आप लोगों को कन्विंस करने के लिए कि पेड़ लगाओ क्या तर्क देंगे, तो मैंने सर बोला कि सर देखिए टिम्बर वुड जो होता है वो लोगों को बहुत बेनिफिट करता है कि जैसे आप सर्टेन 10-15 साल टिम्बर वुड मतलब पेड़ लगा लेते हैं तो आपको टिम्बर मिल जाएगा, इकोनॉमिक बेनिफिट है, हमें फ़ायदा ये हो जाएगा कि हमारा इन्वायरमेंट साफ़ हो जाएगा और हमें एक साफ़ हवा मिल जाएगी और जो ग्राउंड लेवल पॉल्यूशन है वो कम हो जाएगा, वाटर पॉल्यूशन कम हो जाएगा, एयर पॉल्यूशन कम हो जाएगा, ये चीज़ें हैं। और जो बंजर भूम है जैसे एग्रो फॉरेस्ट्री है या फिर सोशल फॉरेस्ट्री है उसके लिए लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं, और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आपको इनिशिएटिव मतलब इंटेंसिव इंसेंटिव्स दे सकता है, पैसे दे सकता है, पेड़ फ्री में दे सकता है, आप ये पेड़ लगाएं, रखवाली करें, जैसे कि एक एक स्कीम ये चलाई जानी चाहिए कि जैसे कि कोई लड़की पैदा हुए तो उसके साथ एक पेड़ लगाएं आप, अब जब उसकी शादी आप करें तब उस पेड़ को काट के उसका इकोनॉमिक बेनिफिट उसकी शादी में लगा दें,
एक एक इनोवेटिव था, तो इनोवेटिव हो सकते हैं आप इस तरह के इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन में चीज़ें, ठीक है। तो ये चीज़ें बताई जो मैंने ये करी थी स्पेशल इंटरव्यू के लिए। देखिए इंटरव्यू में मोस्टली वो आपका ओरिएंटेशन जानना चाहते हैं कि आप सच में अगर आपको ये पोस्ट दी जाए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की, तो आप फॉरेस्ट कंजर्वेशन में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर पाएंगे कि नहीं, क्योंकि फॉरेस्ट इज़ ऑल्सो ए रिसोर्स। तो रिसोर्स में क्या होता है कि जब हम जैसे कि जो भी रिसोर्स होता है इसको अगर हम ओवर एक्सप्लॉयट कर लेते हैं तो हमारा जो नेचुरल बैलेंस इकोलॉजिकल बैलेंस है वो बिगड़ जाता है। तो इसीलिए बहुत ज़िम्मेदारी वाली पोस्ट है कि आप इकोलॉजिकल बैलेंस बनाने के लिए, या आप एक दूरगामी सोचें कि अगर आज हमने पेड़ काट दिए तो कल इसका प्रभाव हमारे आने वाली जनरेशन पर क्या होगा, तो सस्टेनेबिलिटी आप सस्टेन कर पाएंगे कि नहीं। तो इस तरह का जो एक जिम्मेदारी वाली चीज़ें हैं बात हैं वो आपकी पर्सनालिटी में झलकनी चाहिए कि चूँकि ये पेड़ काटने का नुकसान अभी मुझे एक दिन में नहीं पता चलता है, बहुत लंबा पता चलता है, बहुत दिनों बाद पता चलता है। यूपी लोक सेवा आयोग में नौकरी पाने का सुनहरा अवसर, पढ़े भारत के टॉप एजुकेटर्स के साथ और पाए कंप्लीट स्टडी मटेरियल एक ही ऐप पर, डाउनलोड एंट्री नाउ। जैसे कि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन का जो इम्पैक्ट है, जो उसका जो इसका बुरा इम्पैक्ट पड़ा वो अभी तक हम झेल रहे हैं, तो वो इस तरह की चीज़ें हैं। तो ये बहुत ही जिम्मेदारी वाली पोस्ट है एक तरह से। और बाकी एग्जामिनेशन के बारे में मैंने बता दिया। मैं जो एग्ज़ामिनेशन की तैयारी करना चाहता हूँ उनको ये सिर्फ कहना चाहूँगा कि ये बहुत ही अच्छी जॉब है और एक तरह से आपको बहुत ही ज़िम्मेदारी वाली जॉब है, और आपको हमेशा नेचुरल इन्वायरमेंट के आसपास ही रहने का मौका मिलेगा, और आपको एक विजिलेंट नागरिक के तौर पे आप लोगों की मदद भी ले सकते हैं जो अवेयर सिटीज़न है, ठीक है। और इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए हमारा जो नेशनल कंट्रीब्यूशन है, इंटरनेशनल कंट्रीब्यूशन है, वो भी हेल्पफुल होगा। तो मैं आने वाले जो भी फॉरेस्ट या एसीएफ की तैयारी करना चाहता हूँ उनको ये बोलना चाहूँगा कि आप जो अभी ऑप्शनल है आप अच्छे से तैयार करिए। जीएस के लिए प्रीलिम्स लेवल का ही जीएस आता है और एसए अलग से करके जाइए, ठीक है। ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर एस्पिरेंट, एंड जो भी सोर्सेज हैं वो मैंने आप बता दिए हैं, तो ठीक है। तो जिसको भी तैयारी करनी है बहुत अच्छे से करें, बहुत अच्छी जॉब है, ठीक है। ऑल द बेस्ट।